सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। साथ रहते रहते वक्त यूं ही गुजर जाएगा, दूर होने के बाद कौन किसे याद आएगा। जी लो ये पल जब हम सांस साथ हैं, कल का क्या पता वक्त कहाँ ले जाएगा। वे हमेशा कहते हैं समय के साथ सब बदल जाता है, लेकिन वास्तव में आप ही को उन्हें बदलना होता है। हमेशा दूसरों को प्रसन्न रखने की बात सोचते रहो, इस नुस्खे से तुम 14 दिनों में स्वस्थ हो जाओगी। आज का पंचांग 27 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि शाम 6:49 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र रात्रि 12:46 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल 10:35 से 11:44 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:03 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। मेष राशि 27 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार, दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप छोटी सी बात के बारे में सोच सोच कर परेशान हो। ऐसा सोचना प्राकृतिक है, लेकिन इससे आपकी घर और कार्य स्थान की शांति और कार्य की गति प्रभावित होगी। यह समय बड़े लक्ष्यों को सोचकर छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देने का है। आज आप कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे, साथ ही सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। कहीं से मन मुताबिक पेमेंट आ जाने से मन में राहत रहेगी। धार्मिक संस्थाओं में सेवा संबंधित कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। नींद से संबंधित तकलीफ खत्म होने लगेगी, साथ में आपके ऊपर बना हुआ तनाव भी कम होता नजर आएगा। जिन व्यक्ति के साथ भूतकाल में विवाद हुए थे और कुछ कारण से बात बंद हुई थी, ऐसे व्यक्ति थोड़े से आपके साथ संवाद बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। व्यक्ति के बर्ताव को दी गई माफी आपके लिए मन शांति प्रदान करा सकती है। अगले 2 दिन काम से संबंधित बातों की वजह से चिंता सताएगी, लेकिन काम आपके पक्ष में नहीं होने वाले हैं। लव पार्टनर के और आपके मूड में आ रहे बदलाव रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव ला सकते हैं। सावधानियां, आज किसी काम के प्रति निर्णय लेने में कुछ दिक्कतें आ सकती है। बेहतर रहेगा कि घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह ले। साथ ही किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल का माहौल रह सकता है और वातावरण मधुर बना रहेगा। किसी के विवाह संबंधित बातचीत भी संपन्न हो सकती है। आपको कहीं न कहीं यह महसूस होना शुरू हो गया है कि किसी के साथ रोमांटिक तरीके से जुड़ने में दिक्कतें ज्यादा है और संतुष्टि नहीं है। फिर भी आपकी जिंदगी में कोई एक अलग सा व्यक्ति आने वाला है जो एक बार फिर आपको विपरीत लिंग के लोगों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करेगा। अपने आप को निराश ना होने दें, सब्र का फल मीठा होता है और सब्र रखने से आपको भी मीठा फल जरूर मिलेगा। बात करते हैं करियर की। आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ भ्रमित हैं और काफी समय से कुछ प्रयत्न आपकी परेशानियां बढ़ा रहे हैं। आज इसका हल आपको नजर आ सकता है। आप इस विचार पर अड़िग रहें और समाधान निकालने की कोशिश करें, चाहे वह कितना भी अटपटा या अजीब लगे। अगर आपको जोखिम लेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। व्यवसाय में स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। टैक्स व कर्ज जैसे मामलों में उलझने उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आज इन कार्यों को न ही करें। आयात निर्यात के कार्यों में कोई नया अनुबंध मिलने की भी संभावना है। समय वरदान देने के लिए भी बड़ा है, बस इतना ध्यान रखिए कि अनुचित के चक्कर में ना पड़े। अंतरंग संबंध सुख दे सकता है।
घर से बाहर मन प्रसन्न रह सकता है। बात करते हैं सेहत की। देख समझ कर या खोजे कि आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है। अच्छी सेहत के लिए खाने में उसकी मात्रा बढ़ा दें। आप काफी समय से यात्रा कर रहे हैं और कई जगहों पर अलग अलग तरह का खाना खाते आ रहे हैं। इससे आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है, जिससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आपको इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा। आज का उपाय, आज आप काली चींटियों को शक्कर का दाना डालने शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।